जानकी ने अपने बेटे सुधीर की शादी सीमा नाम की लड़की से कुछ सालों पहले ही की थी। सीमा को कुछ ही महीने पहले बच्चा हुआ था। जानकी का घर काफी खुश था। अरे बहू, तूने तो घर आंगन में खुशियां ही भर दी। कितने समय बाद घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। कितने समय बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं। मैं पिता बनकर बहुत खुश हूँ। ये सब पास खड़ी नेहा सुन रही होती है और वो भी बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। अरे तू यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही है? इसे नजर लगाएगी क्या? जाकर बच्चे के लिए गर्म पानी लेकर आ, इसे नहला दूँ मैं। लगता है ना तुम्हें माँ की बात सुनाई नहीं दे रही है। माँ, गलती आपकी भी है। आपने इस नौकरानी को सर पे चढ़ा रखा है। अब तू जाती है या मार खा के जाएगी। अरे आप नेहा से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? वो तो घर का सारा काम करती है और अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालती। बेचारे का पति उसे छोड़कर जा चुका है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग उसकी इज्जत ना करें। नेहा, तू जाकर किचन में गर्म पानी कर दे। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। मैं तो बस युग को देखने लगी थी, कितना प्यारा लग रहा है। लगेगा भी क्यों नहीं, आखिर अपने बाप पर जो गया है। तुझे क्या पता बच्चों के बारे में, तू तो बांझ है ना। मैं गर्म पानी करके लाती हूँ। नेहा घर का सारा काम करती, फिर भी नेहा को जानकी सुधीर की हर बात पर सुनाया करती। सीमा ये सब कई सालों से देख रही थी। सीमा को नेहा के बारे में अपनी सास और पति के मुँह से ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता है, और वो नेहा का हमेशा ही सपोर्ट करती है। नेहा भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसे ही समय बीत रहा था और युग अब 6 महीने का हो चुका था। एक रोज जानकी के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी, तू तो पूरे दिन अपने पोते के साथ खेलती रहती है। सही है, तुझे टाइम पास करने के लिए ना एक खिलौना मिल गया। खबरदार, जो मेरे पोते को टाइम पास कहा, टाइम पास तेरा पोता होगा। वैसे भी वो बहुत शरारती है, पूरे मोहल्ले को सर पर उठा कर रखता है, लेकिन मैं अपने पोते को तेरे पोते जैसा नहीं बनने दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरा पोता तो राजकुमार है ना, और मेरा पोता तो कूड़ेदान से लाया हुआ है ना। तुझे जैसा सोचना है तो सोच ले, और बता कैसे आना हुआ तेरा? सब ठीक तो है ना, या कोई नया समाचार लेकर आई है? नहीं नहीं, कोई समाचार नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही घूमने चली आई थी। जानकी और विमला बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से नेहा गुजरती है। नेहा को देखकर जानकी उसे डांटते हुए कहती है, अरे तुझे शर्म नाम की चीज है या नहीं? देख नहीं रही है कि घर में कोई आया है? उसे चाय पानी भी पूछ लूं, लेकिन नहीं, तुझे इधर उधर घूमने से फुर्सत कहाँ है? जी माँ जी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तुझे कितनी बार कहा है अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम ना लिया कर, और माजी वाजी बोलने की जरूरत नहीं है। तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी बनकर ही रह, समझी ना। जानकी के मुँह से ये कड़वे शब्द सुनकर नेहा वहाँ से चली जाती है। अब नेहा के जाते ही विमला जानकी से कहती है, इसे तूने अभी तक यहाँ से भेजा नहीं? अरे अब तो भेज दे यहाँ से, ताकि ये भी अपना घर बसा ले कहीं और जाकर। इसे तो मैं इसके घर भेज दूँ, लेकिन इसके माँ बाप खुद इसे रखने के लिए तैयार नहीं है। वो तो इस पर तरस खाकर इसे मैंने यहाँ रखा है। अरे फिर तो तेरा इसे यहाँ रखना बनता भी है, काम करती रहे और खाती रहे, क्या कर सकते हैं जब तेरा नसीब में यही लिखा है तो। जानकी और विमला की बातें सीमा सुन लेती है, तभी सीमा विमला को टोकते हुए कहती है, मैं कुछ समझी नहीं काकी, आप नेहा के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे इसे तो बात बनाने की आदत है, तू कहाँ इसकी बातों में आ रही है, जा बच्चे को सुला दे। समय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज सीमा देखती है कि उसका पति घर की नौकरानी नेहा से उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा होता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही मेरे बच्चे से तुम्हें कोई मतलब होना चाहिए। अच्छा होगा तुम मेरे बेटे से दूर रहो। मुझे युग में अपना बेटा नजर आता है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे युग चाहिए। युग मेरा और सीमा का बेटा है और इस घर का वारिस है, ना कि तुम्हारा बेटा, समझी तुम? तुम बाँच थी, बाँच हो और बाँच ही रहोगी। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ चुपचाप। मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मुझे मेरा बेटा युग मिलेगा। और तुम्हारा ये सपना जो है ना, ये तो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। ठीक है, फिर मुझे सीमा को सारी सच्चाई बतानी होगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ना कि इस घर की नौकरानी जिसे तुम इतने सालों से बदतमीजी करते आए हो, उसे मारते पीटते आए हो, और घर की नौकरानी कहकर सीमा के सामने इज्जतदार बनते आए हो। तुम चाहो तो मेरी प्रॉपर्टी में मैं तुम्हें हिस्सा दे दूंगा, लेकिन अपना बच्चा वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। इतना कहने के बाद सुधीर अपने कमरे में चला जाता है
और ये सीमा सब कुछ सुनने के बाद चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और अपने पति सुधीर से कहती है, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? कोई बात हो तो मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो मैं अपने बेटे युग के फ्यूचर को लेके थोड़ा परेशान था, बाकी सब ठीक है। तुमने खाना पीना तो खाया ना, और अगर खा लिया है तो थोड़ा आराम करो। मैं आराम कर लूंगी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि क्या हमें नेहा के लिए लड़का ढूंढना चाहिए? हम उसे कब तक यहाँ रखेंगे? जैसा कि माँ बता रही थी कि उसके माता पिता नहीं है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि हम किसी और की जिम्मेदारी क्यों ले, और शादी उसे नहीं करनी है। हमने कहा था उससे, लेकिन उसने मना कर दिया और कहती है मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब उसे शादी ही नहीं करनी है तो हम क्यों उसकी बात को लेकर परेशान हो, छोड़ो ना उसे। सीमा देखती है कि उसका पति सुधीर उसे सच नहीं बताता। अब सीमा परेशान हो जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने बेटे युग को लेकर भी चिंतित थी। नेहा मेरी सौतन है और मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ये भी मुझे सच बताना नहीं चाहते, और मैं अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं करना चाहती। सीमा को जब पता चलता है कि उसके घर में रह रही नेहा, जिसे सभी लोग नौकरानी कहते आए हैं, वह असल में उस घर की बड़ी बहू और सुधीर की पहली पत्नी थी और उसकी सौतन भी। लेकिन सीमा को इस बात से अनजान रखा गया। जब सीमा का बेटा हुआ तो अब उसे बच्चे की नेहा की इच्छा जागृत होने लगी, लेकिन सीमा भी अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। एक रोज सीमा अपनी सास जानकी और पति सुधीर से कहती है, माँ जी, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और जो भी सच है वो मेरे सामने आ गया है। कैसा सच, क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, मुझे पता चल चुका है कि नेहा मेरी सौतन है और उसे मेरा बच्चा चाहिए। ये बात सुधीर जी भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात छुपा कर रखी और मुझे अपने ही पति से झूठ सुनने के बाद ऐसा लगा कि कल को कुछ भी हो सकता है। अरे बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? नेहा तो इस घर की नौकरानी है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है? नहीं नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, बल्कि मुझे सब सच पता है। अब नेहा, तुम सच बताओगी या मुझे सच बुलवाने पर मजबूर करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी सौतन हूँ और सुधीर की पहली पत्नी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी, उसके बाद माँ जी ने इनकी दूसरी शादी करवाई और जब युग आया तो इस घर में खुशी आ गई, लेकिन अब मुझे युग चाहिए और मैं इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन मैं अपने बेटे को तुम्हें क्यों दूं? बेशक मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बेटे को तुम्हें सौंपने के लिए नहीं। हम अपने युग को किसी और को नहीं देंगे। बहू, मेरी बात को समझ। लेकिन माँ जी, मुझे तो बच्चा चाहिए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, पर ना मैं आप लोगों पर मारपीट जबरदस्ती और इतने सालों से मुझे टॉर्चर करके रखना, इन सभी चीज का केस बनाकर आपको अंदर करवा सकती हूँ। अगर तूने ऐसा किया तो मैं खुद तुझे इस घर से निकाल सकती हूँ। नेहा जानकी में खूब बहस होती है और नेहा भी जानकी के घर पुलिस बुला लेती है, लेकिन जब पुलिस आती है और पुलिस को जब सारा मामला पता चलता है तो पुलिस इस केस पर कुछ ना कुछ करते हुए नेहा को हिदायत देकर जाती है कि ये बच्चा उसका नहीं तो वह इस बच्चे को मांगना छोड़ दे और खुशी खुशी अपने ससुराल में चैन की रोटी खाए। हालांकि नेहा को जानकी के घर में रहना नामंजूर था और वो वहां से चली जाती है बिना किसी को बताए। मुकदपुर गांव में कुमुद अपने पति कमलेश और दो बेटों के साथ एक सुखी संपन्न जीवन बिता रही होती है। कमलेश के पास अपने खुद के खेत थे और वो अच्छा खासा कमा लेता था, और इसी के साथ साथ वो गांव के लोगों की मदद भी किया करता था, जिसके कारण गांव में उसको लगभग सभी लोग जानते थे और उसकी इज्जत भी किया करते थे। एक दिन कमलेश खेत की फसल का हिसाब कर रहा होता है। बस भी कीजिए जी, ये खेत का हिसाब किताब आप बेटे राजन को क्यों नहीं सौंप देते? वो भी थोड़ा बहुत सीख लेगा। सीखने की इच्छा होगी तो सीखेगा ना कुमुद, कहता है ये हिसाब किताब उसके पल्ले नहीं पड़ता। कोई नहीं जी, धीरे धीरे सीख ही जाएगा। सीखना ही पड़ेगा, आखिर मेरे बाद मेरे बेटे को ही तो ये सब कुछ देखना है, लेकिन वे दोनों इस बात को समझते ही नहीं है। समय के साथ सब समझ जाएंगे जी, आप फिलहाल ये फल खाइए और अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिए। काम के चक्कर में आप अपने खाने पीने का क्यों ध्यान नहीं रखते? कमलेश के दोनों बेटे राजन और सोहन,
उन दोनों को अपने पिता के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके चलते वो दोनों नौकरी करना शुरू कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर गांव से शहर में जाकर बस सके। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ समय बाद कुमुद और कमलेश अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने दोनों बेटों की शादी करवा देते हैं। एक तरफा जहां बहुओं के आने से घर में रौनक आ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ घर में छोटी मोटी बहस और लड़ाइयों के चलते घर की शांति चली जाती है। एक शाम कुमुद की छोटी बहू रचना कुमुद से कहती है, माँ जी आप दीदी को ना समझा लीजिए कि खाना बनाने के बाद रसोई को गंदा ना छोड़े, क्योंकि मेरे कहने से तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। बहू से बोलने से अच्छा कि तू खुद ही सफाई कर दे, अब छोटी छोटी बातों के लिए क्या आपस में झगड़ना। वाह माँ जी वाह, आपसे तो कुछ बोलकर फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो उल्टा मुझे ही भाषण देना शुरू कर देती हैं। बहू ऐसा नहीं है। रहने दीजिए माँ जी, मुझे आपकी कोई सफाई नहीं सुननी। रचना का कुमुद से इस तरह चिल्लाकर बात करना कुछ दूर पर खड़े कमलेश को बहुत दुख पहुंचाता है। अब धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ कमलेश की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने दोनों बेटों को अपने खेतों की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहता है। बेटा अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपनी नौकरी के साथ साथ थोड़ा समय निकाल कर हिसाब किताब भी देख लिया करो। पिताजी इतना समय कहाँ है हमारे पास, और खेती बाड़ी उसमें तो पैसा कहाँ मिलता है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इन खेतों को बेच कर अब आराम से घर में बैठिए। बेटा हमने खेत बेच दिए तो हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर बेचारे कहाँ जाएंगे, उनके बारे में भी तो सोचना होगा ना। अरे माँ मजदूर कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उससे हमें क्या, हम क्यों सोचेंगे। और आप अब ये बातें लेके बैठ रही हो, दिखाई नहीं देता आपको हम थके हुए हैं, हमें भूख लगी है। बेटा लेकिन दिन प्रतिदिन कमलेश अपने बेटे और बहुओं का व्यवहार देखकर हैरान था और वो अपनी वसीयत लिखने के बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद कमलेश गांव के रास्ते से किसी काम के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है। कमलेश का अचानक से दुनिया से चले जाना कुमुद के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। अगले दिन दोनों बेटे कमलेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कमलेश के जाने के बाद से उसके खेतों का काम देखने वाला कोई नहीं था। अब कुमुद को भी अपने बेटों से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो खुद को ही खेतों में काम करने के लिए मना लेती है। लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तभी एक दिन कुमुद खेतों पर जा रही होती है कि उसकी बहू उसे टोकते हुए कहती है, माँ जी कहाँ चल दी, पिताजी क्या गए, आपका तो घर में मन ही नहीं लगता, जब देखो खेतों के बहाने घर के बाहर ही रहती हो आप। ये किस तरह से बात कर रही है बहू। ठीक ही कह रही हैं दीदी, आप तो घर में टिककर ही नहीं रहती हैं। माँ जी खेतों को बेचिए और वसीयत बनाइए। ये तुम दोनों क्या कह रही हो। उसी समय कुमुद के दोनों बेटे भी घर में लौट आते हैं और कुमुद उन्हें सारी बात बताते हुए अपनी पत्नियों को समझाने को कहती है, लेकिन उसके बेटे उल्टा ही उसे धुतकारने लगते हैं। माँ देखो पिताजी तो अपना काम किए बिना ही चल बसे, अरे कम से कम वसीयत का बंटवारा तो करके जाते। तुम दोनों अपने स्वर्गवासी पिता को दोष दे रहे हो, कुछ तो शर्म करो। माँ जी शर्म आप कीजिए और घर पर बैठिए और वसीयत का बंटवारा कर कागजात तैयार करवाइए, उसके बाद आप कहीं भी जाइए, हमें कोई परवाह नहीं। अपने बहू बेटों का यह व्यवहार कुमुद को बहुत दुख पहुंचाता है। अगले दिन कुमुद अपने खानदानी वकील को बुलाती है, लेकिन उसे वकील से पता चलता है कि वसीयत तो पहले ही बन चुकी है, लेकिन कमलेश की आखिरी इच्छा थी कि वसीयत को उसके मरने के 6 महीने बाद ही उसके घर वालों को सुनाई जाए। इतना कहकर वकील वहां से चला जाता है। वाह जी वाह, ससुर जी तो जाते जाते भी चला की दिखा गए, पता नहीं क्या ही लिखवा गए होंगे वसीयत में। देखो जी 2 बड़े खेत है ना, वो तो पक्का हमारे ही हिस्से में होंगे, क्योंकि पिताजी अपने बड़े बेटे बहू को हमेशा से ज्यादा ही मानते थे। हाँ हाँ, और छोटे बेटे बहू तो जैसे उनके कुछ थे ही नहीं। देखो दीदी ऐसे ही तुम्हें कोई भी खेत हथियाने नहीं दूंगी, कह देती हूँ। अब दोनों बहुओं में वसीयत को लेकर लड़ाई छिड़ जाती है
और बीतते दिनों के साथ वो वसीयत के लिए लड़ते हुए अपनी सास का जीना दुश्वार कर देती है। कुमुद घर की सफाई कर रही होती है कि तभी पानी की बाल्टी फर्श पर गिर जाती है और सामने से आ रहा राजन, जो कि फोन पर बात कर रहा होता है, वो एकदम से गिर पड़ता है। मेरी कमर गए। हाय हाय, क्या हो गया जी? आप ठीक तो है ना? अरे कैसी माँ है आप? माँ जी अपने ही बेटे को मारना चाहती हैं क्या? बहू क्या बोल रही है, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। चुप कीजिए और निकलिए मेरे घर से, मुझे तो आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। बहू पहले राजन को उठा, उसे देख तू ये क्या बातें बोल रही है। उन्हें तो मैं संभाल लूंगी, आप निकलो निकलो मेरे घर से। सुरभि कुमुद को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। बेचारी कुमुद बार बार दरवाजे को पीटती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, और तभी वहां सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी पड़ोसन कुमुद को संभालते हुए उसे अपने घर चलने को कहती है। नहीं बहन, तुम बस मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी पड़ोसन उसे वृद्धाश्रम छोड़ आती है। अब दिन बीतते हैं और कुमुद के बेटे और बहू वसीयत को लेकर इतनी लड़ाई झगड़े करते हैं कि आपस के सभी पड़ोसी उनकी बुराइयां करने लग जाते हैं। जैसे तैसे करके 6 महीने का समय बीत जाता है और उनका वकील कमलेश की वसीयत लेकर घर आ जाता है और कमलेश के दोनों बेटों को पढ़कर सुनाता है, तो सभी वसीयत सुनकर दंग रह जाते हैं क्योंकि कमलेश अपनी सारी वसीयत गाँव के वृद्धाश्रम के नाम लिख चुका था, यहाँ तक कि घर भी। ये कैसे हो सकता है, जिस वसीयत के लिए दिन रात लड़ रहे थे उसका एक हिस्सा भी हमारे हाथ नहीं आया। ऊपर से एक घर भी हमसे छीनने वाला है, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। जब वकील को पता लगता है कि कुमुद वृद्ध आश्रम में है तो वो वहाँ जाकर उसे कमलेश की वसीयत के बारे में सब कुछ बता देता है। मेरे बेटे बहू ने वसीयत हथियाने के लिए मुझे बेसहारा कर दिया और अब वसीयत में से उन्हें एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ, शायद इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। कुमुद के बेटों को जैसे ही कुमुद के वृद्ध आश्रम में होने का पता चलता है, वो अपनी पत्नियों के साथ उसे घर वापस लेने जाते हैं, लेकिन कुमुद उनसे मिलने तक के लिए मना कर देती है। वसीयत की लड़ाई घर घर की कहानी है, लेकिन इस लड़ाई में वसीयत लिखने वाले यानी माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों को सताने वालों का कभी भला नहीं होता, जैसे कि आपने हमारी आज की कहानी में देखा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सुंदरपुर गांव में जग्गू मछुआरा अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। जग्गू मछलियां पकड़कर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करता था। वो हर सुबह मछली मारने के लिए तालाब की ओर निकल जाता था। जग्गू का दोस्त कनिया वो भी जग्गू के साथ रोज मछली पकड़ने जाया करता था। जग्गू, कल तूने एक ही मछली पकड़ी थी, आज तू मुझे देख कि मैं मछलियाँ कैसे पकड़ता हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे मछली पकड़ी ही नहीं जाती है, तू थोड़ी देर में ही 10 से ज्यादा मछली पकड़ लेता है और मैं एक मछली भी बड़ी मुश्किल से पकड़ पाता हूँ। तू ध्यान लगा के देख मैं मछलियाँ कैसे पकड़ता हूँ। कन्या और जग्गू बहुत अच्छे दोस्त थे और जब भी जग्गू कम मछलियाँ पकड़ता था तो कन्या अपने में से कुछ मछलियाँ जग्गू को दे दिया करता था। अब भी तू मछली पकड़ना नहीं सीख पा रहा है, चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। तू एक काम कर, घर जाने का समय हो रहा है, ये मछलियाँ तू ले जा। मुझे सच में अच्छा नहीं लगता तू इतनी मेहनत से मछली पकड़ता है और आधी मछलियाँ तो तू मुझे ही दे देता है। अरे अगर तू कभी मछलियाँ पकड़ेगा तो तू मुझे दे दिया करियो। देखते हैं वो दिन कब आएगा, चल फिलहाल तो हमें घर चलना चाहिए। अरे आ गए मछली लेकर, आज कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? या आज भी कन्या से मछली लेकर आ रहे हो? वो आज भी बस 2 ही मछलियाँ ही पकड़ पाया, ना जाने तालाब की सारी मछलियाँ कहाँ चली गई हैं। मेरे हाथ तो कोई भी मछली आना ही नहीं चाहती। अरे आपके पास तो इतना अच्छा दोस्त है, उससे कला सीखना तो पड़ेगा ही ना। आखिर जिस तालाब से आपको एक भी मछली नहीं मिलती है उस तालाब से कन्या 10-12 मछलियाँ रोज पकड़ के ले जाता है। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन उसके हाथों में बड़ा हुनर है। तभी तो मैं कह रही हूँ उस हुनर को तुम भी सीखो और अपने दोस्त कन्या से ज्यादा मछलियाँ पकड़ो।
कन्या तो हमेशा जग्गू की मदद करता ही था, लेकिन जग्गू की बेचारी किस्मत, जग्गू के नसीब में कभी एक या तो कभी दो ही मछलियां फंसती थी, लेकिन इस बार तो जग्गू ने हद ही कर दी। इस बार जग्गू ने मछली पकड़ने के लिए जाल तो फेंका, लेकिन उसमें एक भी मछली नहीं फंसी। हाय रे मेरी किस्मत, एक भी मछली जाल में नहीं आई। अरे अरे क्या बात है, मेरे जाल में एक नहीं 5 मछलियां आ गई। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इन मछलियों को देखकर। कन्या, तेरे जाल में ऐसा क्या है जो मेरे जाल में नहीं है? एक तो एक बार में तेरे जाल में कितनी सारी मछलियां आईं? इसे कहते हैं किस्मत, और जब किस्मत खराब हो तो क्या किया जा सकता है। लेकिन तेरी किस्मत मेरे साथ जुड़ी हुई है, ये ले मछलियां, चल अब घर चल। कन्या हर रोज जग्गू को मछलियां दे दिया करता था, लेकिन जग्गू बेचारा मछली तो ले लेता था, लेकिन उसके बाद वहीं बैठकर अपने आप को कोसने लगता था। कन्या सही कह रहा है, मेरी किस्मत बुरी चल रही है, अब मैं भी क्या करूं जब मेरे हाथ मछलियां ही लग नहीं रही हैं। तो सरला, मैं पहले ही कह देता हूं, आज भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाया हूं, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही कन्या 10 से ज्यादा मछलियां पकड़ कर ले गया था, और उसमें से उसने मुझे 5 मछलियां दे दी। अरे रे रे रे, मैं और आपको कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। क्यों जी, आपको यही उम्मीद है ना कि मैं कुछ ऐसा ही कहूँगी? बिल्कुल सही उम्मीद है। आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्या हुआ, आपका दोस्त कन्या तो है ना जो आपका काम चला रहा है। नहीं सरला, मुझे अब कन्या से मछलियाँ लेने में अच्छा नहीं लग रहा है। तुम सोचो तो सही कि आखिर मैं कब तक कन्या से मछलियाँ लेता रहूँगा। अरे दोस्ती में तो सब चलता है, तुम चिंता क्यों करते हो, वो तो तुम्हारा दोस्त ही है। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है कन्या से मछलियाँ लेना, तो तुम छोटे तालाब से मछलियाँ क्यों नहीं ले आते हो? जग्गू अपनी पत्नी से छोटे तालाब की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को देखने लगता है। मेरा मुँह क्या देख रहे हो, उस श्रापित तालाब में कोई नहीं जाता, सोचो उस तालाब में कितनी मछलियाँ होंगी। लेकिन ये कैसे संभव है, भाग्यवान उस तालाब के पास जाने में भी डर लगता है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं उस तालाब से जाकर के मछली पकड़ कर लेकर आऊं? कैसी बातें कर रही हो तुम? देख लो जो मन करे तुम्हारा, या तो जिंदगी भर अपने दोस्त की गुलामी करो या फिर अपना कुछ करो। ना जाने उस श्रापित तालाब में कौन से आदमखोर जानवर होंगे या फिर चुड़ैल या डायन, लेकिन अब तक मैं कन्या के टुकड़ों पे पल रहा था, अब मुझे भी अपना कुछ काम करना ही होगा। अगली रोज सुबह ही जग्गू अपना जाल लिए जंगल के रास्ते होते हुए उस श्रापित तालाब की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में जग्गू को एक बुढ़िया दिखाई देती है। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, आगे खतरा है, मुझे पता है तुम उस श्रापित तालाब के पास जा रहे हो, वहाँ मत जाना। अरे अरे आप कौन और मुझे वहाँ जाने से क्यों रोक रही हैं? आज कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाकर ही रहूँगा, वरना हर रोज की तरह मैं अपनी कामयाबी को कोसूंगा। अरे मैं तुम्हें आखिरी बार मना कर रही हूँ, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो रुक जाओ। अपने दोस्त से रोज रोज उसकी मेहनत का हिस्सा लेने से तो अच्छा है कि आज मैं डर के साथ ही सही, लेकिन अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाऊं। तुम बहादुर हो, मैं तो बस तुम्हारी दिलेरी देखना चाहती थी, वाकई तुम में बहुत हिम्मत है। ये लो दाना, ये दाना तुम जैसे ही तालाब में डालोगे मछलियाँ खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी, तुम्हें जाल फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आप सच कह रही हैं? अगर ऐसा है तो कितना अच्छा होगा ना, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं अमीर भी हो जाऊंगा। लेकिन इसके नुकसान भी है जग्गू, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा लालच आया तो ये तुम्हारा अंत भी कर सकती है। ऐसा है तो मैं रोज थोड़ी थोड़ी मछलियाँ बेचा करूँगा। अब जग्गू श्रापित कुछ मिला कि नहीं उस छोटे तालाब से? अरे नहीं सरला,
आज तो मैंने इतनी मछलियाँ पकड़ी कि अब मैं 2-3 दिन तक मछलियाँ नहीं पकड़ने जाऊँगा। अब मैं आराम करूँगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आराम की। तुम रोज मछलियाँ पकड़ने जाओगे, चाहे जितनी भी पकड़ के लाओ। लेकिन भाग्यवान, मुझे तो किसी चीज का लोभ नहीं है। मैं एक दिन मछलियाँ मार कर लाया हूँ और 2 दिन आराम कर लूंगा। मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ ना। अगर इस तालाब के बारे में किसी को भी पता चला तो सोचो सब यही मछली मारने आने लगेंगे। इससे पहले हम मछलियाँ बेचकर अमीर भी तो हो सकते हैं ना। अब अगली रोज जग्गू श्रापित तालाब पर जाता है और आधा ही दाना तोड़कर पानी में डालता है तो मछलियाँ खुद ब खुद बाहर आ जाती है। लो, आज का भी काम हो गया। अब इसे बेचकर आधे ही पैसे सरला को दूंगा, बाकी के पैसों को रख लेता हूँ कल के लिए। कल यहाँ आकर पेड़ के छाव में सो जाऊंगा। अब जग्गू घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को थोड़े से पैसे लाकर दे देता है। अब तो आप खुद मछलियाँ पकड़ के ला रहे हो, लेकिन आपका दोस्त कन्या आपको ढूंढने क्यों आया था? अच्छा, तो अगर अब कन्या आए तो उसे कहना कि मुझे अब उसकी मछलियाँ नहीं चाहिए, मैं खुद ही मछलियाँ पकड़ने लगा हूँ। अरे, आप यह क्या कर रहे हो? कल तक तो कन्या ने इतने दिनों से आपको मछलियाँ देकर आपका घर चलाया और अब आप उसका हाथ छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, मैं उसका साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं तो बस उस छोटे तालाब के बारे में उसे बताना नहीं चाहता हूँ। जग्गू के मन में कहीं ना कहीं लालच पैदा हो जाती है और वो अपने दोस्त कन्या को उस तालाब के बारे में नहीं बताता। अब जग्गू मछली पकड़ने वाले जादुई दाने को खिड़की पर रख देता है। इन्हें तो कहीं सुरक्षित जगह पर रखना होगा, वरना ये सरला ना जाने इनका क्या करेगी। आखिर यही तो है मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का राज। जग्गू की ये बात कन्या सुन लेता है, जो जग्गू को दोबारा बुलाने आया होता है, और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका दोस्त उससे बातें छुपा रहा है। लेकिन अब कन्या भी जग्गू से बदला लेने की ठान लेता है। अच्छा, तभी मैं सोचूं जग्गू मछली पकड़ने क्यों नहीं आ रहा था बहुत समय से, और मछली पकड़ने के लिए ये किस मुर्गे के अंडे की बात कर रहा है। अब कन्या उस दाने को चुरा लेता है और उस दाने को देखकर समझ जाता है कि यह तो मछली पकड़ने वाला दाना है। ये जग्गू श्रापित तालाब की बात कर रहा था, जरूर उसे ये दाना भी उसी तालाब के लिए मिला होगा। तो चलो, इन दानों को मैं तालाब में डाल देता हूँ, क्या होगा फिर देखते हैं। डर तो लग रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊँ और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। कन्या उस छोटे श्रापित तालाब की तरफ बढ़ जाता है और उसमें चुराए हुए दाने को फेंक देता है। तभी अचानक से उस छोटे तालाब में पानी का उफान आ जाता है, जो कन्या को अपने अंदर समा लेता है। इधर बेचारा जग्गू वो जादुई दाने को ढूंढने में लगा रहता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि श्रापित तालाब से कन्या की लाश मिली है। और जग्गू को अपने दोस्त को सच ना बताने का बहुत दुख होता है, क्योंकि अपने लालच की वजह से जग्गू ने एक अच्छा मित्र खो दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।